आंसू क्यों है? आप सभी देख रहे हैं, सभी लोग लाइव चलता है, तो दोनों सदन लाइव चलता है, लेकिन कुछ जो ऐसे क्लिप्स होते हैं, मैं तो माननीय सभापति जी के माध्यम से भी चाहूंगी कि इस तरह के क्लिप्स लोगों को सुनने को देखने को न मिले, ताकि महिलाएं खुद शर्मसार हो। मैडम आज जिस तरह का बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में दिया, तो वो हम लोग को भी बहुत शर्मसार किया है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं उठकर सदन से बाहर चली आई, और भी हमारे 7-8 महिलाएं बहनें थी, शायद वो अपने नेता को सुनना चाह रही हूँ, सुन रहे होंगे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे सुनने की शक्ति नहीं थी, इसलिए मैं हाउस से उठ के बाहर चली आई। हमारे अध्यक्ष थे, हमारे नेता भी बैठे हुए थे, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाई और मैं उनके उस प्रवचन को सुनने का साहस नहीं जुटा पाई और मैं बाहर चली आई। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना, आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है, आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल साथ में, आपके कौन नहीं जानता है सेक्सुअल, किसको पढ़ा रहे हैं आप, किसको बता रहे हैं? इन्होंने पूरे बिहार की महिला कौम, पूरे देश की महिला कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया सरेआम सदन में। विधानसभा में भी कई महिलाएं सदस्य थी, विधान परिषद में भी थी, एक जगह बोलने के बाद कोई हमारा दूसरी जगह बोलना क्या? देखिए, इनका इंटेंशन शुरू से खराब रहता है, ये कभी भी कुछ भी कहीं आ रहे तरह कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी और भी एक प्रकरण है, वो सामने आएगा धीरे धीरे आप लोगों के, इनकी लैंग्वेज लिटरेचर जो कहा जाता है, संगत से गुड़ होते संगत से गुड़ जात, तो जिस संगत में पढ़े हुए हैं, इंजीनियर थे, लैंग्वेज लिटरेचर अच्छा बोलते थे, लेकिन अब इनका जो क्या कहे, तथा कथित हमारे डिप्टी सीएम है, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिनको प्राप्त नहीं है, तो इनकी भी क्वालिटी वही हो गई है, वही ग्रेड हो गया है, तो उससे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।